ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखो, संतों की कृपा कैसी होती है। सत्संग में हमें वो रास्ता मिलता है जिससे हमारा तो उद्धार होता है, हमारे 21 कुल भी तर जाते हैं। बिन सत्संग न हरि कथा, ते बिन मोह न भाग, मोह गए बिन राम पद, होवै न दृढ़ अनुराग। सत्संग में जाने पर इतने यज्ञों का फल मिलता है। इसका उदाहरण है देवर्षि नारद, दासी के पुत्र थे वो। जो दासी विद्याहीन, जातिहीन, धनहीन, कुलहीन और व्यवसायहीन दासी के पुत्र, चतुर्मास में वह दासी साधुओं की सेवा में लगाई गई थी। साधारण सी दासी थी, वह साधुओं की सेवा में आती थी तो अपने साधुओं की सेवा करती तो अपने छोटे बच्चे को भी साथ में ले आती। वो बच्चा भी कीर्तन करता, सत्संग सुनता, साधुओं के प्रति उसकी श्रद्धा हो गई। उसको कीर्तन, सत्संग, ध्यान का रंग ऐसा लग गया कि उसको आनंद आने लगा। संतों ने उनका नाम रख दिया हरिदास। सत्संग, ध्यान और कीर्तन में उसका चित्त प्रवृत्त होने लगा। जब साधु जा रहे थे तो वह बोला, गुरुजी मुझे भी साथ ले जाओ। संत ने कहा, बेटा अभी हम तुझे साथ नहीं ले जा सकते। जन्मों जन्मों का जो साथी है, जो हृदय में बैठा है, उसकी भक्ति कर, उस शुद्धात्मा भगवान की भक्ति कर जो तेरे भीतर बैठा हुआ है। संतों ने ध्यान भजन का तरीका सिखा दिया और वह हरिदास आगे चलकर देवर्षि नारद बना। जातिहीन, विद्याहीन, कुलहीन, धनहीन बालक था, वह देवर्षि नारद बन गया। नारद जी को तो देवता भी मानते हैं, मनुष्य भी उनकी बात को मानते हैं, यहाँ तक कि राक्षस भी उनकी बात को मानते हैं। कहाँ तो दासी पुत्र जो जातिहीन है, विद्याहीन है, कुलहीन है, और कहाँ भगवान को सलाह देने की योग्यता। ऐसे महान बनने के पीछे नारद जी के जीवन में तीन बातें थी, पहला सत्संग, दूसरा साधु समागम। सत्संग और साधु समागम, दूसरा था उत्साह और तीसरी थी उनकी श्रद्धा। सत्संग, उत्साह और श्रद्धा अगर छोटे से छोटे आदमी में भी हो तो वह बड़े से बड़े कार्य कर सकता है, यहाँ तक कि भगवान भी उसे मान देते हैं। वे लोग धनभागी हैं जिनको सत्संग मिलता है, वे लोग विशेष धनभागी हैं जो सत्संग दूसरों को दिलाने की सेवा करके हैं, संत और समाज के बीच परी बनने का अवसर खोज लेते हैं, पा लेते हैं ऐसा मौका और अपना जीवन धन्य। बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी सेवा करिए और आपको लाभ मिले तो आप भी लाभ।